तो यहां पे हमने लिखा रेंज सी, यहां पे सी वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, हमने लिख दिया वैल्यू नहीं, फॉर्मूला कर देगा, फॉर्मूला फॉर्मूला इक्वल टू मार्क्स। अब यहां ध्यान रखिएगा कि किसी सेल पे वैल्यू टाइप करनी है तो रेंज ए वन डॉट वैल्यू या रेंज बी वन डॉट रोल या सी वन डॉट फॉर्मूला कर दीजिएगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि डॉट करके वैल्यू लगाए या फॉर्मूला लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जब आप दूसरे सेल की वैल्यू पहले सेल पे लेके आते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रेंज लिखा कि रेंज ए वन डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज डी वन डॉट वैल्यू। अब डी वन पे मान लीजिए यहाँ पे 50 है तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर डी वन पे फॉर्मूला है तो 50 प्लस मान लीजिए 60 है, 110 है, तो यहाँ पे सिर्फ 110 आएगा क्योंकि हम इसकी वैल्यू पिक कर रहे हैं। लेकिन इसी इसी कोड में अगर हम वैल्यू के जगह पे लगा दे फॉर्मूला, तब इसकी फॉर्मूला उठ के आएगी 50 प्लस 60, फॉर्मूला उठ के आएगा। ओके, अब ये जो हुआ विथ इन सीट हुआ ना, एक सीट में एक सेल से दूसरे सेल, अगर मुझे किसी अनदर सीट का चाहिए, जैसे सीट वन पे सीट टू की वैल्यू डालनी है, तो यहाँ पे आपको शीट्स का नेम देने होंगे कि शीट्स यहाँ पे सीट वन डॉट रेंज ए वन पे वैल्यू डालनी है इक्वल टू सीट्स सीट टू डॉट रेंज ए टू डॉट, समझ गए। अगर वही फाइल होता कि बुक वन से बुक टू पे लाना है तो इसके आगे हम अपना वर्कबुक लगाएंगे, समझे सर, दोनों तरफ, और दोनों तरफ अलग अलग वर्कबुक होगा, जैसे बुक वन और बुक टू। तो बुक टू पे बुक वन की वैल्यू आ रही। अब आप बोलेंगे सर यहां आप देख पा रहे हैं कि मैंने ये कर लिया, मैंने पूरा लगा दिया, लेकिन ऊपर में तो हमने सेलेक्ट करने के लिए तो वन बाय वन गया। देखिए एक प्रॉपर्टी हुआ है पीछे से डाल देगा, मतलब इससे ये आपका फाइल को एक्टिवेट नहीं करेगा, फाइल आपका जो है वही चलेगा, जो सामने रहेगा वही सामने, मतलब आपकी स्क्रीन को इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब सिलेक्शन वाला पार्ट होता है वो स्क्रीन को इफेक्ट करता है, दैट टाइम तब मुझे वन बाय वन लेके चलना। अब हम बात करते हैं कि किसी सेल पे हम कोई फॉर्मूला कैसे डालें, एक्सेल सीट का फॉर्मूला। अब ये नौ ए जो है इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिए। मान लीजिए मुझे बी वन पे बी कॉलन में सब पे 20 ऐड करना है। अब इसको एक अलग में एक अलग इसमें कर रहा हूं मैक्रो में, जो मैं रन करके दिखाऊंगा। तो मैंने यहां पे लिखा रेंज ए ए नहीं बी बी वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, यहां पे इक्वल ए वन प्लस 20 कर दिया। तो ए माइक्रो रन करते ही क्या होगा कि बी वन पे ए 20 आएगा। अब मुझे इसको नीचे तक क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो दो तरीके, फिल डाउन भी कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो फिल डाउन पहले कर लेते हैं। तो हम यहां पे आएंगे रेंज ए वन, आएंगे ए वन डॉट एंड एक्सल डाउन। तो ए यहां से कर्सर लेगा और नीचे की तरफ आएगा, मतलब कंट्रोल के साथ डाउन एरो। फिर यहां पे हमने डॉट ऑफसेट लगाया, ऑफसेट ने बोला कि जीरो रो एंड एक कॉलम डॉट सेलेक्ट।
ये क्या करेगा कि यहां से नीचे आएगा और ऑफसेट इसको एक जीरो रो मतलब सेम रो के अगले कॉलम में जाके कर्सर यहां पर रख देगा। फिर मैं बोल रहा हूं कि सिलेक्शन कर रहा हूं, अच्छा ये किसी सेल को सिलेक्ट करने का क्या होता है कि स्टार्टिंग एंडिंग पोजीशन डालना होता है। जैसे मान लीजिए मुझे सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट करने का दो तरीके होते हैं, जैसे कि ए वन से लेके हमें मान लीजिए कि सी टेन सेलेक्ट करना है, तो ए वन से लेके सी टेन हमने इस तरह से लिख दिया डॉट सिलेक्ट कर दिया। या दूसरा है रेंज ए वन कॉमा सी टेन डॉट सिलेक्ट, तो ये हो गया स्टार्टिंग और ये हो गया एंडिंग। तो सेम थिंग यहां करें कि स्टार्टिंग जो है हमारा वो है एक्टिव सेल कॉमा एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सेलेस अप डॉट फिल डाउन, तो ये क्या करेगा यहां से ऊपर की तरफ सेलेक्ट कर देगा, कंट्रोल डी कर देगा फिल डाउन। तो इसमें एक फुल्ली डायनेमिक हो गया, जब मैं इसको रन कर रहा हूं तो मेरा डेटा चाहे जितना भी क्यों ना हो ये पूरे पूरे डेटा पे हमारा 20 ऐड कर, समझे सर? इसे कोई डाउट है प्रदीप एंड प्रदीप जी? जी सर, कोई डाउट समझा नहीं है ना? नहीं सर। अब फॉर्मूला जो भी हो आप यहां लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहां पे सब्जेक्ट, मान लीजिए कॉपी पेस्ट अगर करना होता था कैसे करता इसी काम को, तो चलिए कॉपी पेस्ट वाला एग्जांपल आपको हम बताते हैं। तो बाकी तो सेम रहेगा यहां पे, फिर हम यहां रेंज बी वन डॉट कॉपी करेंगे, ठीक है? और यहां बाकी सेव रहेगा यहां पे एक्टिव सीट डॉट पेस्ट, क्योंकि पेस्ट जो है किसी रेंज का पार्ट नहीं है, वो सीट का पोस्ट है। तो हम सबसे पहले डालें बी वन को कॉपी करें, ए वन में जाके डेटा को सिलेक्ट किए, नहीं ये तो सिलेक्ट हो गया, और मुझे यहां भी करना पड़ेगा ना फिल डाउन जो है वो उसके जगह पे हमें सिलेक्ट करना, अब यहां कॉपी पेस्ट होगा। तो रन करके देखते हैं एक बार, अरे आर आर टू को बिल्कुल परफेक्ट ही कर रहा है, ठीक है? समझे सर? प्रदीप एंड प्रदीप जी, अब आपको क्या करना है इसमें, जैसे मैंने फॉर्मूला लगाया है ना सर, ऐसी आप 5-7 फॉर्मूला लगा के मुझे दे, इफ का लगा लीजिए, डी लुकअप लगा लीजिए, एंड और लगा लीजिए, ऐसे फॉर्मूला सेम एग्जांपल जो मैंने यहां पे दिए, समझे? पवन जी, प्रदीप जी, ठीक है सर, अब लगा के भेजिए। कल हम बात करेंगे डायनेमिक सिलेक्शंस के बारे में, किसके बारे में? डायनेमिक सिलेक्शंस। तो आज की जो रिकॉर्डिंग आप लोगों ने कर ही लिया है और कोड मैं ग्रुप में डाल देता हूं, मिलते हैं कल सेम टाइम, ठीक है।